ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 की मांगा के अंदर। गाइस, पिछले चैप्टर में हमने देखा था इचिगो अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ किस तरीके से क्विंसी किंग के सामने पहुंच जाता है और नीचे की साइड सारे के सारे लोग रॉयल पैलेस के लिए निकलने वाले हैं। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम कैप्टन सिंजी और हियोरी को देखते हैं उसकी पूरी टीम के साथ। कैप्टन सिंजी हियोरी से पूछते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हियोरी चिल्ला कर कहती है कि इस तरीके से मत कहो जैसे कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और तुम उराहरा के राइट हैंड मैन बन चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोटे मोटे और फालतू काम हमारे ऊपर छोड़ दो। कैप्टन सिंजी कहते हैं, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसी के साथ हियोरी कहती है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं कापा जैसे दिखने वाले गधे को इग्नोर कर रही हूँ, मुझे उसकी बात ही नहीं सुननी है। कैप्टन सिंजी सोइफोन से कहते हैं कि ये लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है। सोइफोन इसका जवाब देती है कि मैं तो किसी भी एंगल से कापा से मैच नहीं खाती। गाइस, अगर किसी को कापा का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, कापा एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक मॉन्स्टर है जिसके बाल अपने सिंजी की तरह दिखते हैं। यानी कि हियोरी यहाँ पर सिंजी को इग्नोर मार रही है, बस सिंजी ऐसे चाले बलगा रहा है कि वो सोइफोन को इग्नोर कर रही है। ऐसा मत करो मेरी जान। गाइस, यहाँ पर हियोरी बहुत सारा पानी डाल देती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। रुकिया इसमें खड़े खड़े कहती है कि ये लिक्विड है लेकिन हम इसमें भीग नहीं रहे हैं। उराहरा कहते हैं, बिल्कुल, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें डांगाई के पास से मिला। गाइस, डांगाई वो है जो कि अपने सोल सोसाइटी और वर्ल्ड ऑफ लिविंग के बीच की जगह है। गाइस, एनिमे के अंदर डांगाई का नाम कुछ और है, अगर आप में से किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। गाइस, ये वाला लिक्विड ये लोग डिस्टोर्शंस के अंदर से लेके आते हैं, आप सभी को याद होगा अगर आपने मेरा पुराना एपिसोड देख के रखा है तो। उराहरा कहते हैं, ये सब्सटेंस अपने एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा अपन सभी को रॉयल पैलेस पहुंचाने के लिए। पहले यहां पर योरुइची थी जिसने की इसे इकट्ठा किया था, लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट था जिसे कि हमने इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर लिया, और हमारे पास हियोरी का पूरा ग्रुप था जो कि इसे ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा कर रहा था, और अब हम इस एनर्जी को कैप्टन के स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ मिलाने वाले हैं। और अब तुम लोग लीसा, लव, हाची और हियोरी, बगल वाले रूम में सेल्स के ऊपर कुछ सुहा कुसोस पड़े हुए हैं, जाओ उन्हें जाकर पहन लो और वापिस आ जाओ। ऐसा सुनते ही गाइस पता नहीं क्यों लेकिन हियोरी यहाँ पर गुस्से में आ जाती है। उसे लव फटाक से पकड़ता है और कहता है ठीक है। लव यहाँ पर हियोरी को अपने कंधे पर उठा के ले जाने लगता है। हियोरी वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मुझे जाने दो, लव मुझे छोड़ दो। लव कहता है अपनी वास बंद करो, कैप्टन रोज, कैप्टन सिंजी और कैप्टन केंसे, ये सभी के सभी अपनी जान यहाँ पर खतरे में डाल रहे हैं, तुम उनकी तरफ कैसे देखोगी अगर तुम जाते के साथ से वापस लौट आई तो। गाइस, इस वाली लाइन का एग्जैक्ट मतलब यार थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया, और यहाँ पर इन तीनों बंदों के मतलब आंखों में थोड़ी सी निराशा है, थोड़े से दुखी है बंदे, पता नहीं क्यों। इसी के साथ कैप्टन ज़ाराकी कहते हैं, जिनके हाथ में भी एक बॉल होती है, वो कहते हैं इसके साथ करना क्या है, क्या हम अपना स्पिरिचुअल प्रेशर के अंदर डालेंगे, उसी के साथ ही यहाँ से लॉन्च हो जाएंगे। उराहरा कहते हैं नहीं, इस तरीके से नहीं, हम क्या करने वाले हैं कि एक गेट बनाने वाले, एक ऐसा गेट जो कि इस जगह को डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा रॉयल पैलेस के साथ। अब ये मेथड इसलिए काम में आ पा रही है क्योंकि इचिगो ने आते के साथ से 75 लेवल का जो बैरियर होता है उसे तोड़ दिया था। इसी के साथ उराहरा बहुत ही गहरी आवाज में कहते हैं कि अपन लोगों के वहां से वापिस आने के चांसेस एकदम ही ना के बराबर है। सोइफोन कहती है कि तुम कमीने कही के ये बात तुम अब जाके हमें बता रहे हो। उराहरा कहते हैं सॉरी, लेकिन प्लीज दुखी मत हो। सोइफोन बहुत ही गुस्से में और चिल्लाकर कहती है कि मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बात तुम हमें पहले बताते तो जैसे कि हम डर कर पीछे हट जाते, तुम इस तरीके से हमारे बारे में नीचा सोच रहे हो, ये बात सोचकर मेरा यहाँ पर दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अगर किसी जमाने में तुम सचमुच में 13 कोर्ट गार्ड स्क्वाड के मेंबर होते तो तुम्हें पता होता कि हमें इस तरीके से अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी के साथ कैप्टन टाके कहते हैं हम सभी के सभी एक जैसा ही सोचते हैं, हम सभी प्रोटेक्शन के भार को आपस में बांट कर रखते हैं। गाइस, यहाँ पर कैप्टन जारा की अपनी तेज आवाज में कहते हैं कि हमारी तरफ नीचा देखना या फिर प्रोटेक्शन का भार या फिर कोई भी बातें जो कि तुम कर रहे हो, मैं इनमें से एक भी बात पे रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूँ कि मैं जाकर उन कमीनों को खत्म कर दूं, इसीलिए समय की बर्बादी करना बंद करो और चलो चलते हैं। सभी के सभी
लोग कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। और हम एक साइड पे हियोरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सिहा कुसो को पहन रही होती है। और गाइस ये लड़की बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही है, पता नहीं क्यों। अगर किसी को पता हो तो गाइस कमेंट में जरूर से बता देना। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इचिगो के ऊपर, जो कि यहाँ पर युहाबा से कहता है कि मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। युहाबा कहता है हाँ ये सब मैं पहले ही देख चुका हूँ, मुझे पहले से पता है कि तुम कोशिश करोगे सोल किंग को मारे जाने से बचाने के लिए। इचिगो कहता है पहले ही देख लिया, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। ओरी ही में कहती है इचिगो वो आदमी उसकी आंखें देखो। इचिगो कहता है हाँ। इचिगो युहाबा से पूछता है ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, ये क्या है। युहाबा बताता है ये आंखें है सब कुछ ही देख पाने की और ये सबूत है एक असली क्विंसी होने का। गाइस यहाँ पर क्विंसी किंग इन सभी को बताता है कि तुम यहाँ पर आए और आते के साथ से तुम यहाँ पर इचिबे से मिले जो कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे तुमने वापस रिवाइव किया और उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा। ये सब कुछ मैं पहले से ही देख चुका हूँ और तुम यहाँ पर आने वाले हो इस बारे में भी मुझे पहले से ही पता था। क्विंसी किंग अपनी जगह से साइड हटकर कहता है तुम लेट हो और वो सोल किंग को दिखाता है जिसने की उसको अपनी तलवार घुसा कर रखी है। सोल किंग मर चुके है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। गाइस इचिगो बहुत ही ज्यादा स्पीड में एकदम ही सोल किंग के पास आता है और उनकी स्वाट को निकालने की कोशिश करता है। युहाबा कहता है कि तुम कोशिश कर रहे हो स्वाट को निकाल कर किंग को बचाने की, करो कर सकते हो तुम वही कर रहे हो जिस तरीके के तुम इंसान हो, तुम्हें मेरे हिसाब से ये कर लेना चाहिए। स्वाट को निकालो और अपने खुद के हाथों से ही सोल सोसाइटी को खत्म कर दो। गाइस हम देखते हैं जैसे ही इचिगो ने सोल किंग के अंदर से युहाबा की स्वाट को बाहर निकाला, उसकी स्वाट के अंदर से इचिगो के अंदर ब्लूट वेंस आने लग जाती है। मतलब गाइस स्वाट की वजह से, स्वाट के अंदर से नहीं, क्योंकि ये वेंस तो इचिगो के खुद के अंदर ही है। इचिगो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और सभी के सभी बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। और गाइस हम देखते हैं इचिगो अपने खुद के हाथ से ही सोल किंग को पूरा काट देता है। युहाबा कहता है हाँ इचिगो मैंने ये पहले ही देख लिया है, पहले ये देख चुका हूँ कि जो तुम्हारे अंदर क्विंसीज का ब्लड है वो ये अलाव नहीं करेगा कि स्पिरिट किंग यानी कि सोल किंग जिए। और अब इचिगो चलो साथ में देखते हैं सोल सोसाइटी का खात्मा। और गाइस इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। यहाँ पर हमें सबसे स्टार्टिंग में इचिगो की दोनों सिस्टर्स दिखाई जाती है जिनका नाम होता है कारिन और युजू। युजू कारिन के पास भाग कर आती है और उसे कस के पकड़ लेती है और कहती है भूकंप आया भूकंप आया। कारिन कहती है ये लो मेरा जूस तो गया, अच्छा हुआ कम से कम ये कंसोल पे नहीं गिरा, गेमिंग कंसोल पे। युजू कहती है कारिन सॉरी मेरे को लगा तुम खतरे में हो इसीलिए मैं एकदम से भाग के आ गई। कारिन कहती है ठीक है मैं इसे फटाक से साफ कर देती हूँ, तुम टूटे हुए ग्लास को संभालो। यहाँ पर युजू कारिन से एक बार और सॉरी बोलती है। और गाइस हम देखते हैं जो भूकंप के झटके यहाँ पर आ रहे होते हैं वो अभी भी बंद नहीं होते, वो लगातार आते ही रहते हैं। इसका मतलब सोल किंग के मारे जाने के कारण अब यहाँ पर सचमुच में काम खराब होने वाला है। इसी के साथ सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है सोल किंग के ऊपर जो कि यहाँ पर मरे पड़े होते हैं। इचिगो ये सभी के सभी यही चीज देख रहे होते हैं बहुत ही सीरियस लुक के साथ। युहाबा कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये बहुत देर हो चुका है और तुमने ही लास्ट ब्लो स्पिरिट किंग को मारा है उन्हें खत्म करने के लिए अपने हाथों से। इचिगो अपने आप से बहुत ही पछतावे वाली आवाज में कहता है क्यों मैंने उन्हें क्यों मार दिया, ये स्वॉर्ड मेरे हाथ से क्यों नहीं छूटी। युहाबा कहता है मेरा स्विफ्ट नेम है ए, मैं हूँ द ऑलमाइटी, मैं पूरा का पूरा फ्यूचर देख सकता हूँ और मैं अपनी पावर किसी से छीन भी सकता हूँ और किसी को दे भी सकता हूँ। मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर मेरी स्वॉर्ड में भी प्रेजेंट है और मैं मेरी स्वॉर्ड तुम्हें भी दे सकता हूँ क्योंकि मेरी पावर्स ही तुम्हारे अंदर बहती है ब्लड के तौर पे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम्हारी वेंस के अंदर क्विंसी ब्लड बह रहा है तो, इसी कारण से तुमने सोल किंग को काट दिया। इसी के साथ गाइस इचिगो क्विंसी किंग की स्वॉर्ड को फेंक कर यहाँ पर अटैक कर देता है क्विंसी किंग के ऊपर। क्विंसी किंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई
कोई रीजन बचा है मेरे खिलाफ मुझसे लड़ने का। इस चीज को देखते हुए कि सोल सोसाइटी अब गायब होने वाली है पूरी तरीके से। गाइस सोल किंग कहना चाह रहा है इचिगो से कि अब तुम्हारे पास मकसद ही क्या बचा है मुझसे लड़ने का। जिसके बिहाफ पे और जिसके लिए तुम मुझसे लड़ रहे थे वो सब तो अब खत्म होने वाला है। इसी के साथ सीन यहाँ पर नीचे शिफ्ट होता है। इकाकू कहता है ये क्या हो रहा है, ये छत टूट क्यों रही है। युमिचिगा कहता है क्या ये किसी एनिमी का अटैक है। यहाँ पर सोइफोन उसे बताती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का भी किसी भी क्विंसी का स्पिरिचुअल प्रेशर आसपास में मौजूद नहीं है। उराहरा कहते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब स्पिरिट किंग मारे जा चुके है, वो मर चुके है। ये सुन के भाई सभी के सभी यहाँ पर शोक हो जाते हैं, सबके होश ही उड़ जाते हैं। कैप्टन सिंजी कहते हैं आखिरकार ये हुआ कैसे, स्क्वाड जीरो क्या कर रही है, और तो और इचिगो के साथ क्या हुआ, वो क्या कर रहा है वहाँ पर। उराहरा कहते हैं कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता और मानना भी नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि स्क्वाड जीरो खत्म हो चुकी है और इचिगो वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाया, और जैसी सिचुएशन है जैसा कि माहौल अभी चल रहा है उस हिसाब से सोल सोसाइटी ह्यूकोमुंडो और वर्ल्ड ऑफ लिविंग सभी के सभी खत्म हो जाएंगे, सभी के सभी तबाह हो जाएंगे। सीन वापिस से इचिगो वर्सेस युहाबाहा पे शिफ्ट होता है। युहाबाहा इचिगो से कहता है कि सोल किंग इसलिए क्रिएट किए गए थे ताकि वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके सोल सोसाइटी की। अब सोल सोसाइटी अनस्टेबल हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सोल सब अंदर बाहर हो जाएगी वहां से। गाइस सोल्स अंदर बाहर होने का मतलब है स्टेबिलिटी की गई वाट लग गई है और पूरी तरीके से अब सोल सोसाइटी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, और अपन देख रहे वही चीज हो रही है। युहाबाहा कहता है अब कोई भी उम्मीद नहीं बची, सोल सोसाइटी वर्ल्ड ऑफ लिविंग डांगाई ह्यूकोमुंडो सारे के सारे क्रम्बल हो चुके, खत्म होने वाले हैं। इचिगो ये सब तुमने अपने खुद के हाथों से किया है। इसी के साथ गाइस योरुइची युहाबाहा को अपने जाल में फंसा देती और कहती है तुम इतनी ज्यादा बातचीत कर रहे हो, तुम पूरे के पूरे ओपन थे, अगर तुमने गलती से भी इसे टच कर दिया तो तुम पूरी तरीके से छिल जाओगे, इसलिए वहीं के वहीं खड़े रहना। योरुइची फटाक से चिल्लाती है और कहती है ओरी हिमे फटाक से अपनी पावर का इस्तेमाल करो और सोल किंग को वापस रिस्टोर कर दो उनकी नॉर्मल स्टेट में। गाइस आपको क्या लगता है सोल किंग को वापस रिस्टोर कर पाना ओरी हिमे की बस की बात है या नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। इसी के साथ गाइस ओरी हिमे रिवाइव करने लग जाती है यहाँ पर सोल किंग को। युहाबाहा ये देख के कहता है कितना ही बचकाना है, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सोल किंग को रिवाइव किया जा सकता है और वो भी एक इंसान की पावर की मदद से, मामूली से इंसान की पावर, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सोल किंग कभी भी लाइफ में रिटर्न नहीं होंगे, वापस जिंदा नहीं होने वाले। सीन वापस नीचे के साइड शिफ्ट होता है। यहाँ पर रेंजी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि सोल किंग मारे गए, अब सोल सोसाइटी वर्ल्ड ऑफ लिविंग सारे के सारे गायब हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम कर सकते हैं फिलहाल की सिचुएशन में। गाइस एकदम ही हम लास्ट में एकदम लुक देखते हैं कैप्टन उकीटाके का, पता नहीं इनके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक सा क्या आ रहा है। और भाई लोग इसी के साथ आपको कमेंट करके बताना है आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी के साथ आप लोगों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करना है जिन भी भाई लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये है इस वाले चैप्टर का एंड। मिलते हैं अगले चैप्टर में कल के दिन, तब तक के लिए बाय बाय।